1980 में मैं फर्स्ट ईयर कर रहा था FSC, और काफ़ी हद तक मैं आवारा हो चुका था, क्योंकि वो ज़माना है जब मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब स्कूल्स को नेशनलाइज कर चुके थे और तालीम का मेयार जो है वो तकरीबन गटर में जा चुका था। तो मैट्रिक जैसे कैसे किया, और जब मैं इंटर में पहुँचा एक बड़े अच्छे कॉलेज में, DJ कॉलेज में कराची में होता था मैं, लेकिन तालीम का मुझे यकीन हो गया था कि इससे कोई फ़ायदा नहीं, पढ़ने लिखने में मेरा कोई लगाव नहीं था। तो फर्स्ट ईयर 1980 काफ़ी बुरे हालात थे। 81 सेकेंड ईयर कुछ, क्योंकि एक धचका मुझे लग चुका था तो मैं थोड़ा सा इंसान बना था। कुछ सब्जेक्ट्स में मैंने बड़ी मेहनत की, कैलकुलस में बड़ी मेहनत की मैंने, मुझे मज़ा आता था, समझ में आता था, लेकिन केमिस्ट्री में मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की, बिल्कुल डब्बा मेरा गोल था। तो जब इम्तहान का वक्त आया तो किसी ने कहा, भाई चल गया, किस चक्कर में पड़ा है, तो वो ये फर्रे चला लीजिए भैया। तो उन्होंने उस ज़माने में, तो मुझे पता क्या होता है, वो मिलती थी वो गाइड बुक्स जिनमें सारे सवालों के जवाब होते थे, वो किसने मुझे जेब में रखवा दी, मैं चला गया। और ये वो जब वक्त है जब चक्कू की नोक पे इम्तहान दिया जाता था, तो मेरे साथ जो इर्द गिर्द लोग थे, किसी ने चक्कू रखा हुआ था, किसी, मतलब फुल सीन ऑन था वहाँ पर। तो वो जब केमिस्ट्री का इम्तहान का वक्त आया तो हाथ वाथ हमारे ऐसे कांपते थे, क्योंकि दरअसल मैं शरीफ माँ बाप की औलाद, मैं ज़रा डायरेक्शन मेरी उल्टी रही है, मेरे माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह नेक लोग हैं, तो ये काम करना नहीं आता था। और जब वो वक्त आया केमिस्ट्री के पर्चे का, और वो जेब में मुझे पता था किताब पढ़ी है, तो बड़े हाथ पैर कपकपाए कि क्या करूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया, और उसमें ये वजह नहीं थी कि मैं एक बहुत नेक आदमी था, नहीं, डर रहा था, जान जा रही थी, काम करना नहीं आता था, इसलिए कर नहीं सका, उसमें नंबर भी कम आए। फिर ज़िंदगी का अगला पहलू, क्योंकि हालात मेरे बहुत ही बुरे थे, तो वालदे ने कहा, भाई ये पाकिस्तान में तो लुट जाएगा, इसको अमेरिका भेज दो। उन्होंने हमें 1982 में अमेरिका भिजवा दिया। तो जो कैलकुलस जिसमें हम बड़ा मज़ा आता था, वो मैं 1982 के जो दूसरा सेमेस्टर था हमारा फॉल का, उसमें मैं पढ़ा रहा था वहाँ कैलकुलस। उस्ताद ने कहा, तू तो बड़ा सियाणा, तुम तो हमसे आगे, यानी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की कैलकुलस थी उससे बेहतर मेरी कैलकुलस थी, और मुझे उन्होंने TA-ship पे लगा दिया। जो केमिस्ट्री वगैरह का आलम था वहाँ भी मेरा डब्बा गोल था। ये सारी बात आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप इम्तिहान में चीटिंग करके पास हो जाएंगे तो आपको शायद नौकरी तो मिल जाए, अगला दाखिला ही मिल जाए, लेकिन सारी ज़िंदगी फिटे मुँह फटीचर ही रहेंगे, आप कर कुछ नहीं सकेंगे, क्योंकि ये रास्ता ज़िंदगी में कहीं पहुंचाता नहीं। वो वालदेन जो कि देख रहे हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा लेकिन उसके इम्तिहान में नंबर आ रहे हैं और पास हो रहा है, उनको इस बात पे खुश नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे ने डिग्री पास कर ली या उसको सरकारी नौकरी मिल जाए। ये 2017 आ गया है और ये बच्चा जो आज पढ़ रहा है 2030, 2035, 2040 की ज़िंदगी जिएगा। अगर वो नालायक गधा, लफंगा, लफुंटर, पंटर, फर्रे लगा के, चीटिंग करके, गुंडागर्दी करके इम्तिहान पास कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने उसकी आगे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वो सारी ज़िंदगी यही करता रहेगा, वो सारी ज़िंदगी लाल बत्तियों पर से गाड़ी निकालता रहेगा, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी तरह ज़िल्लत की ज़िंदगी सहेगा इंशाल्लाह। जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो शायद मुश्किल से गुजरेगा, क्योंकि आपके डफर ने चीटिंग से ज़्यादा नंबर लिए, शायद उसके नंबर कम आएंगे, लेकिन मुस्तकबिल की दुनिया में वो नंबर बड़ी अहमियत नहीं रखते, उसकी कारकर्दगी, उसकी स्किल, उसकी सलाहियत अहमियत रखती है, और इंशाल्लाह वो तरक्की करेगा। अब आप शायद ये कहें कि भाई अगर मैं इतना ही बुरा था तो मैंने तो ज़िंदगी में काम ठीक ठाक कर लिया। जी हाँ, ठीक ठाक कर लिया। मेरा बड़ा भाई माशाल्लाह उसने PhD की, डॉक्टर है, फिर PhD भी की, वो ज़िंदगी में बहुत बेहतर जगह है। मेरी बड़ी बहन माशाल्लाह डॉक्टर है, बड़ी इज्जत है उसकी, बड़ी बेहतर जगह है। अगर मैं पढ़ा लिखा होता, पढ़ा लिखा मतलब दिल लगा के पढ़ा लिखा होता, तो सोचिए मैं ज़िंदगी में कहाँ होता। और मुझे उस 78 से 82 की आवारगी जो थी मेरी, उस 4 साल की कीमत मैं समझता हूँ मैंने कि 20 साल अदा की है। ना मेरे पास कोई ऐसी डिग्री है जिसके ऊपर नंबर ऐसे हों जो मैं आपको दिखा सकूँ फ़ख्र से, देखो जी बड़े अच्छे ना मेरे नंबर हैं। अब एक वक्त आता है, किसी ने मुझे एक नौकरी थी सरकारी, उन्होंने कहा सर इसके लिए तो मास्टर्स की डिग्री चाहिए, सर मास्टर्स है ही नहीं, सर एक बैचलर्स है, तो उसके लिए मैं अप्लाई ना कर सका। फिर कोई और बहुत सी मुतादिद जगह होती है, अपनी मार्कशीट दिखाते हुए मुझे शर्म आती है, इतने बुरे नंबर हैं। तो प्लीज़ ये ना देखिएगा कि फैसल कुरैशी सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, मुझे बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी, शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और अभी भी मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ शायद मैं हो सकता।
ये मैं नाशुक्री नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, लेकिन सोचिए मुस्तकबिल की दुनिया में जहाँ इतना कंपटीशन होगा। मैं तो 80s का बच्चा हूँ ना, 2020, 2030, 2040 में जिस किस्म का ग्लोबल कंपटीशन होगा, आपका फर्रे वाला बच्चा कुछ नहीं कर सकेगा। तो उन मिनिस्टर्स से, उन एजुकेशन मिनिस्टर से, उन तमाम असातिज़ा से जो TV पे अल्हम्दुलिल्लाह हर साल फ़खरिया चीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, ओए बंदे के पुत्र बन जाओ, ओ बेशर्मो तुम्हें मिनिस्टर लगाया है एजुकेशन का, और तुम जाके तस्वीरें उतारते हो हमने चीटिंग करती पकड़ लिया। तो तुम खुद डबल चीटिंग करके मिनिस्टर लगे हो, तुम खुद जाहिल पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार हो, ऊपर से आगे की नस्लों को तुम जाहिल कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। और मैं किसी एक मिनिस्टर का, मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर, आप तो पढ़े लिखे आदमी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो जाहिल मिनिस्टर था। आप तो सर पढ़े लिखे अच्छे मिनिस्टर हैं, आप नाराज़ मत, गुस्सा मत कीजिएगा, प्लीज़ मेरे घर पुलिस मत भेजिएगा, मैं छोटा गरीब आदमी हूँ। वो जाहिल मिनिस्टर जो मुस्तकबिल की हमारी बर्बादी कर रहा है, वो यार उसको समझाओ तुम्हारा दोस्त है। प्लीज़ ये घटियापन मत करो, अपने बच्चों को सीधे रास्ते पे लाओ, ये चीटिंग के धंधे बंद कराओ। तुम शायद एक डिग्री ले लो, लेकिन ज़िंदगी में तुम कहीं नहीं पहुंच सकोगे। अगर दो नंबरी करके ही जीना है तो फिर पढ़ने की ज़रूरत क्या है, डिग्री ही मत लो, कर लो यार दो नंबरी, जाली डिग्रियाँ छपवा लो। यहाँ तो माशाल्लाह वज़ीर आज़म तक की डिग्री जाली होती है, तुम्हें कौन सा काम है। और अब तो इस हुकूमत ने, पिछली ने ये भी कर दिया कि आप जाहिल भी MNA MPA लग सकते हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जाहिल प्राइम मिनिस्टर हो सकता है पाकिस्तान का। तो पढ़ने की आपको क्या ज़रूरत है, आप थूक लगाइए, चक्कर चलाइए, दो नंबरी कीजिए और आगे निकल जाइए। पढ़ रहे हो तो खुदा के वास्ते तमीज़ से पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे ही दोस्त जिसने फर्रा लगा के जाली चीटिंग करके डॉक्टर बना था, खुदा ना खास्ता तुम्हारा इमरजेंसी में इलाज करने बैठ गया, तुम्हारी अम्मी का या तुम्हारे बेटे का इलाज करने आ गया, और उसने उसको ऑपरेशन टेबल फड़का दिया, तो तुम्हें कैसा लगेगा। प्लीज़ इंसान बन जाओ। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फैसल कुरैशी, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो घंटी आएगी, उस घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कमेंट्स, फीडबैक आपके लाजम हैं, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, या सिर्फ टेक्स्ट हो, और जितना मेरे पास में होगा मैं उसको इन शोज़ में इंक्लूड करूँगा।